नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, एक बार फिर पानी के लिए वसई विरार के लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा। अब तस्वीर और विजुअल देख रहे हैं। विजुअल 3 जुलाई का वसई के पापड़ी क्षेत्र का है, जहां पापड़ी क्षेत्र में कम पानी छोड़े जाने को लेकर क्षेत्रवासी सड़क पर उतरे और वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के लोगों से जाकर पूछताछ की। इन लोगों का आरोप है कि इस क्षेत्र में सिर्फ दिन में 20 मिनट ही पानी आता है और अब जब मानसून की बारिश हो चुकी है, कुछ जलाशयों में पानी की आवक भी हो गई है, उसके बावजूद भी क्यों इस तरह से पानी कटौती की जा रही है। पब्लिक रोड पर उतरी, सड़क पर उतरी रात के 9 बजे में, अपने आप में ये एक बड़ी बात है। और देखिए इस पूरे वाक्य में जब पब्लिक उतरी तो क्या कुछ हुआ, देखिए आगे वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। आप बोला फाइनल डिसीजन बोला बोल चेतन बोला तब बहुत पानी से हमारा लाइट गई बालाजी बोलो इकडे फोन बंद करून केले त्याची ड्यूटी आहे ना चाकीवर बसायची घरी काय झोपायला गेलाय का तो उद्याला कमेंट करतो मी बालाजी जो पानी विकत जाते बराबर पानी जाता है प्रेशर में पैसे अपन पैसे नहीं देते अपना बिल बिल जाता है अपना बिल जाता है उनको बिल दे उनके जेब भरते उनके जेब भरते पानी का बिल ना भरना कुरेसी पानी का बिल ना भरना कुरेसी लाख में देते 3.5-4 लाख में सोता बिल देता हूँ दूसरा उन्हें उठा उन्हें चिल्ला सर्व जगाला बराबर पाणी आहे नुसतं आमच्या एरियामध्ये पाणी नाही मुसलमान आली मध्ये मुसलमान नाही ना अंगुल नाही करत मुसलमान बाकी सगळे जगाला बराबर टायमाला तुम्ही पाणी सोडतात बोललो ना आम्ही काय बोलते ना आपके खाऊन बोल काय बोलते दोन दिवस झाला पापडीमध्ये पाणी नाही आहे पापडीचे स्थानिक रहिवासी इथे मार्केटमध्ये पाण्याची टाकी जवळ आलेलं आहे 2-3 दिवस झाला पापडीमध्ये पियायचं पाणी नाही आहे पाणी नाही आहे पापडी गावचे रहिवासी सर्व आले इथे 2 दिवस पापडीमध्ये पाणी नाही सांगा साहेब चालू हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।